मौसम की बेरुखी, खेतों में पानी एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा कृषि के संबंध में तकनीकी एवं वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में छोटे किसानों के लिए अपनी जमीन से परिवार का गुजारा करना आसान नहीं है। यही कारण है कि आज के युवा पीढ़ी खेती से विमुख हो रही है। पीढ़ियों से पारंपरिक खेती कर रहे जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत गलौड़ के गांव गुरिया के किसानों की कहानी भी 2 वर्ष पहले तक कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका के सहयोग से चलाई जा रही फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के कारण सूर्या के किसान अब खुशहाली की राह पर चल पड़े हैं। जायका परियोजना के कारण इस गांव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कि अन्य क्षेत्रों के किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत साबित हो रहा है। दरअसल सिंचाई के साधन न होने के कारण गुरिया के किसान पूरी तरह मौसम पर ही निर्भर थे और केवल गेहूं तथा मक्के की फसलें ही उगाते थे। इनकी पैदावार भी बहुत कम होती थी तथा गांव के अधिकांश किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा ही साबित हो रही थी। मौसम की बेरुखी से परेशान गांव के कई किसान तो खेती से ही तौबा करने लगे थे। हताशा निराशा के बीच जायका परियोजना इन किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। जायका परियोजना के तहत गांव गुरिया के लिए एक उप परियोजना स्वीकृत की गई। उप परियोजना के तहत गांव में लगभग 52 लाख रुपए की लागत से एक लघु उठाव सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में गाँव के साथ बह रहे नाले से ही सौर ऊर्जा की मदद से पानी उठाकर एक बड़े भंडारण टैंक में डाला गया और वहां से अन्य छोटे टैंकों में एवं आधुनिक सिंचाई उपकरणों से लगभग 10.76 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंध किया गया। ये योजना जून 2018 में चालू हो गई। अत्याधुनिक फवारा और टपक सिंचाई उपकरणों से पानी मिलने पर गांव के खेतों तथा किसानों को मानो नई संजीवनी मिल गई। लघु सिंचाई योजना और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए गांव में कृषक विकास संघ का गठन किया गया, जिसमें लगभग 35 किसान परिवार शामिल किए गए। जायका के माध्यम से ही गांव में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से पक्की सड़क का निर्माण किया गया। गांव में ढांचागत विकास कार्यों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उत्साहित किसानों ने जायका की विभिन्न गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और वे पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण की ओर भी अग्रसर होने लगे। विशेषकर सब्जियों और अन्य नकदी फसलों की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा। परियोजना के तहत किसानों को आधुनिक सिंचाई एवं कृषि उपकरण, मल्चिंग शीट तथा उन्नत बीज उपलब्ध करवाए गए। अब गुरिया के खेतों में पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियों की भी अच्छी खासी पैदावार हो रही है। सिंचाई सुविधा मिलने के बाद गेहूं और मक्के के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जायका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पीसी शर्मा ने बताया कि गुरिया में पहले खरीफ सीजन में 1 हेक्टेयर में औसतन 19 क्विंटल पैदावार होती थी, जबकि 2019 के खरीफ सीजन में ये बढ़कर 24.06 क्विंटल तक पहुंच गई। इसी प्रकार 2019-20 के रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर 24.76 क्विंटल पैदावार हुई, जो कि पहले औसतन 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही होती थी। 2019 के खरीफ सीजन के दौरान गांव की 1.5 हेक्टेयर भूमि और रबी सीजन 2019-20 में 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया गया। इस प्रकार जायका परियोजना के कारण गुरिया के किसानों की आय में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई। पहले यहां के किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 55,736 रुपए आय होती थी, जबकि वर्ष 2018-19 में उनकी प्रति हेक्टेयर आय 2,74,170 रुपए तक बढ़ गई। जायका परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में ढांचागत विकास एवं फसल विविधीकरण के साथ साथ किसानों की उपज के बेहतर विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय में अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो सके। इसी के मद्देनजर गुरिया में लगभग 37 लाख रुपए की लागत से कलेक्शन सेंटर बनाया गया। इसमें लगभग 10 लाख रुपए का कूलिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक फसलों, सब्जियों, फलों और जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मशीनें तथा ग्राइंडर भी लगाए गए हैं। इस वक्त हम इस गुरिया स्कीम में है, ये हमारा सब्जेक्ट है कि इसका कार्य लगभग 2015-16 में शुरू हुआ था। इसकी सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए इसमें लगभग 52 लाख रुपए खर्च हुए
और इसके अतिरिक्त इसमें एक कलेक्शन सेंटर बना हुआ है, एक रोड बना हुआ है। कलेक्शन सेंटर की कुल लागत 37 लाख के करीब है और जो फार्म एक्सेस रोड बना हुआ है उसकी भी लगभग 12 लाख का वो बना हुआ है। इस परियोजना में लगभग 35 किसान कार्य कर रहे हैं जिनकी यहाँ जमीन है, उनमें से कुछ लोग सब्जियों का भी काम कर रहे हैं। तो इन किसानों को जागरूक करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाए गए, भ्रमण कार्यक्रम हुए और कई प्रकार की ट्रेनिंगें दी गई। तो अब लोग मतलब उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। जब पानी आ गया है, पहले पानी की बहुत था ही नहीं है पानी, तो अब लोग सब्जियां भी लगा रहे हैं और अपनी जो नई तकनीक है उसको अपना के खेती बाड़ी में काफी सुधार लोगों ने कर लिया है। इस सब्जेक्ट में पहले पर हेक्टेयर जो इनकम थी कोई 40-50 हजार के करीब थी, जो अब बढ़कर लगभग 2-2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। तो लोग काफी प्रोग्रेसिव हैं और मेहनत कर रहे हैं और स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। गुड़िया में जायका की गतिविधियों के संचालन में कृषक विकास संघ और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। गांववासियों ने उप परियोजना के तहत ढांचागत कार्यों के लिए स्वेच्छा से जमीन दान की है। शिबा स्वयं सहायता समूह में शामिल गांव महिलाएं इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस समूह की सचिव सुषमा देवी, उपाध्यक्ष बीना शर्मा और कोषाध्यक्ष पूनम देवी ने बताया कि सब्जी उत्पादन से उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वे डिंगरी मशरूम भी तैयार कर रही हैं तथा पिछले सीजन में उन्होंने 50,000 रुपए से अधिक की मशरूम बेची। इसके अलावा वे ग्राइंडर और जूस मशीन से जड़ी बूटियों का जूस, अर्क तथा बढ़िया और सीरा जैसे पारंपरिक खाद्य उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। स्थानीय बाजार में उन्हें इन उत्पादों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। हम यहाँ जायका के थ्रू काम करते हैं, जिसमें हमने मशरूम वगैरह और अन्य खेतीबाड़ी का काम करते हैं। ये हमें जायका वालों के थ्रू प्रोसेसिंग मशीन मिली है, जिसमें हमारे समूह का नाम है शिवा सहायता समूह है, जिसमें हम 15 लेडीज काम कर रही हैं। और इस मशीन के थ्रू हमने बहुत से प्रोडक्ट निकाले हैं, जैसे हमने इसमें नाशपति का जूस निकालते हैं, मैंगो पल्प, मैंगो जूस और नींबू का जूस और मक्की का दूध बनाया है। इसमें हम 93 प्रकार की आइटमें बना देते हैं और हमने इसमें आम पापड़ वगैरह भी बनाए हुए हैं। और इस मशीन से हमें बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। यहाँ पर जायका का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उन्होंने हमें सब्जियों के बारे में ट्रेनिंग दी है कि कैसे सब्जी लगानी है। इससे पहले हमें सब्जियों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। पहले तो हम बस मक्की और गेहूं ही लगाते थे। मक्की से हम 2-3 हजार में बेचते थे, लेकिन सब्जियां लगाने से हमने एक खेत से 25-30 हजार इनकम प्राप्त की है। और जायका वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें पानी का जो प्रबंध किया है इसकी वजह से हुआ है, वैसे तो नहीं होना था। सर, हम पहले तो घर पे काम करते थे, तो छोटी छोटी मशीनें तो हमें दिक्कत होती थी हमें काम करने, मगर हमें जायका के थ्रू हमें ये ग्राइंडर मिला है, जिसमें हम सीरा, बढ़िया और जैसे मसाला वगैरह पीसने में हमें आसानी हो रही है। जैसे हमने अभी सीरा बनाया तो काफी सीरा निकला और अच्छा निकला भी, और हमने अभी बढ़िया भी बनाई इसमें, तो इसमें ग्राइंड करके तो हमें अच्छा प्रॉफिट और आसानी हुई हमें काम करने में। तो इससे हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ये काम करने के लिए, चलो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जा रहा है अब। थैंक यू। कृषक विकास संघ के पदाधिकारी देवराज बताते हैं कि जायका परियोजना से गुड़िया के किसान नए राह पर चल पड़े हैं। शुरुआती दौर में गांव के 35 परिवार इससे जुड़े थे, अब अन्य लोग भी फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं। जब से जायका की स्कीम आई है तो सब्जियां लगा रहे हैं सारे गांव वाले, और लगभग 40 कनाल में गोभी है, भिंडी है और सारी सब्जियां लगा रहे हैं। और मैं खुद जो है, मैंने भी 5 कनाल में लगाई हुई है, तो अच्छी इनकम हो रही है। जहाँ पहले साल में 2,000 या 3,000 नहीं बनता था, अभी उसी 4-5 कनाल में मैं 30-35-40 हजार तक इनकम कर रहा हूँ।